हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस आज आप लोगों को सर दर्द के बारे में बताएंगे। तो सर दर्द से सभी लोग वाकिफ़ हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन सर का दर्द ये भी एक समस्या है, और सर के दर्द को लोग बस एक इजी समस्या ले लेते हैं, इजी समस्या समझते हैं कि कुछ नहीं है, और लोग कोई भी पेन किलर मेडिसिन उठाए और खा लिए। लेकिन वो सर दर्द का इलाज नहीं है, तत्काल रिलीफ है, क्विक एक्शन तो होगा लेकिन परमानेंट हेड पेन रिलीफ नहीं होगा। इस बात को जान जाए तो अगर आप घर पे बैठे हुए हैं या कहीं बाहर से घूम करके आए और सर में दर्द हो गया, तो अचानक क्या किया जाए जिससे सर का दर्द आराम हो जाए? या कहीं अचानक बाहर में ही खड़े हैं और सर में हल्का दर्द हो रहा है, तो क्या किया जाए कि सर का दर्द तुरंत रिलीफ मिले? तो दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग जान जाए कि सर का दर्द होने का बहुत सारा कारण है, और ये भी हम बताने जा रहे हैं कि सर दर्द जो है ये कोई रोग नहीं है, ये एक लक्षण है बहुत सारी बीमारियों का। जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम के कारण सर में दर्द होता है, साइनस के प्रॉब्लम के कारण सर में दर्द होता है, कंस्टिपेशन के कारण सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को बॉडी वीकनेस के वजह से भी सर में दर्द होता है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो है टेंशन, स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा सर दर्द की समस्या स्ट्रेस से ही ज़्यादा होती है। तो हम बताने जा रहे थे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि आपका सर दर्द बिना कोई मेडिसिन तत्काल रिलीफ और बिना मेडिसिन क्विक रिलीफ और जस्ट वन होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप लोगों को बताएंगे कि जो किसी भी सर दर्द में, हल्का सर दर्द में वो मेडिसिन काम करते ही करती है। एक तजुर्बा एक्सपीरियंस के आधार पर वो बताने जा रहे हैं कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन ही बताएंगे। लेकिन पहले तो आप लोगों को हमें बताएं, अगर आप कहीं बाइक चला रहे हैं और सर में दर्द हुआ, या कहीं घर पर आए बैठे और सर में दर्द हो गया, तो बिना मेडिसिन के क्या कीजिएगा? ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे पेन किलर मेडिसिन है, बस एक मेडिसिन लिए और खा ली और सर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन ये समस्या का निदान नहीं है, और बिना कोई फिजिशियन से समझे हुए पूछे हुए कोई भी मेडिसिन को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सर दर्द के बारे में आपको बता ही दे, कोई बीमारी नहीं, एक लक्षण है, किस वजह से, किस बीमारी के कारण हमको इस सर में दर्द हुआ। लेकिन वैसा नहीं, एक बस कॉमन सर में दर्द या कॉमन अगर सर घूम भी रहा है, तो उसके लिए बस एक उपाय आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप अपने अंगूठा और तर्जनी की अंगुली के जो बीच में है स्पेस, उसे आप दबाएं, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट एक हाथ को दबाएं, और फिर दूसरे हाथ के भी अंगूठा और तर्जनी के जो बीच में है उसे भी आप कुछ 2-3 मिनट दबाएं, तुरंत रिलीफ होगा। ये तो हो गया बिना मेडिसिन के एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, जिसे दबाने पर तुरंत रिलीफ मिलेगा सर में दर्द का। और दूसरा चीज़ है, उस दौरान आप जो टेंशन रखें उस टेंशन को भूल जाइए, अपने आप को टेंशन को दूर करें, मन में ले कि हमको टेंशन, झूठ का टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। अगर घर पे हैं तो एक गिलास पानी लें, तुरंत एक गिलास पानी पी जाएं, और अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, सर दर्द में तुरंत रिलीफ मिलेगा। हल्के सर दर्द के बारे में बता रहे हैं, और धीरे धीरे उपाय कर लेने पर अगर ये सेट हो जाता है, तो इसे करके सर दर्द का उपाय आप स्वतः एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू ही खत्म कर सकते हैं। और एक होम्योपैथिक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना।
तो बेलाडोना मेडिसिन, उसे आप मार्केट से 30 नंबर में बेलाडोना मेडिसिन ले लें। अगर सर में दर्द होता है तो बस आप उसे 4 बूंद दो दो घंटा के अंतराल पर खाएं, बहुत ही बेटर रिलीफ देती है, बहुत ही बेटर। एक खुराक ही खाएं, अगर आप दवा खाते हैं और तुरंत सर में दर्द खत्म हो जाता है तो दूसरा खुराक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब भी कोई भी मेडिसिन हो, जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं या और भी कोई पैथी का मेडिसिन हो, ऐसा नहीं कि दो चार पैथी का मेडिसिन एक बार ही खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन एक बार खाइए। तो हम जो बता रहे हैं, बस बेलेडोना मेडिसिन अगर आप रखे हुए हैं तो उस मेडिसिन को 4 बूंद तुरंत रिलीफ होता है। और ऐसे भी होम्योपैथिक साइंस से बहुत सारे सर दर्द का मेडिसिन है, लेकिन हम आप लोगों को 1-2 मिनट में तुरंत रिलीफ होने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया और एक बस ओनली मेडिसिन होम्योपैथी का बताया है, जो बहुत ही सर दर्द में बेहतर काम करती है। और अगर आप सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस लेकर के, तो 1 गिलास पानी, एक कप प्रेशर पॉइंट को दबाएं और 1 गिलास वाटर को टेक करें, सर में दर्द 6 मंत्र हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ज़्यादा है तो ऐसे ही पेन किलर मेडिसिन जो है नहीं खाना चाहिए। आप नज़दीक के फिजिशियन से दिखाएं किस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि लक्षण को मानना बहुत ज़रूरी है। किस लक्षण से, किस कारण से, किस बीमारी से हमको सर में दर्द बार बार होता है, ये तो बस हम आप लोगों को इस वीडियो से एक माध्यम बताया कि आप अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग को दबा के सर दर्द से तुरंत रिलीफ मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो 1 गिलास पानी पिए, स्ट्रेस उसमें भी कमता है। दूसरी चीज़ है, अगर आप बेलाडोना मेडिसिन रखे हुए तो उसे 4 बूंद खा लें, तुरंत रिलीफ देगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।